नमस्कार दोस्तों, मैं नरेन आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो V15 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी वीवो V15 प्रो की स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च डेट की फुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें आपको देखो मिलता है 6.59 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ दोस्तों वीवो V15 प्रो में आपको देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। बात करते हैं डिज़ाइन की, तो इसमें आपको बैक साइड में देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप डुअल टोन LED फ्लैश के साथ में। नीचे दी गई है वीवो की ब्रांडिंग। दोस्तों प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि गोरिल्ला ग्लास 6 मिलेगा या फिर 5। दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड में नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि आपको देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और सेल्फी कैमरा भी पॉपअप कैमरा के रूप में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फिनिशिंग जो की गई है वो ग्लास से फिनिशिंग की गई है, जैसा कि आप बैक साइड में देख सकते हैं। और बात करें कलर की, तो इसमें आपको ब्लू, ब्लैक और अलग से कुछ एक या दो फिर कलरों में ही अवेलेबल हो सकता है। तो लुक्स और डिज़ाइन के मामले में फ़ोन आपको काफ़ी प्रीमियम लुक देने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा ग्रुप प्रोसेसर है। दोस्तों 660 के बाद ये स्नैपड्रैगन ने न्यू प्रोसेसर लॉन्च किया है जो कि है स्नैपड्रैगन का 675, और शायद मेरी जानकारी के हिसाब से पहला फ़ोन होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर। 6 GB की रैम और 8 GB की रैम दो वेरिएंट में आ सकता है। बात करें स्टोरेज की, तो 128 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज के दो वेरियंट आ सकते हैं, और इसे आप एक्स भी कर सकते हैं 8 GB तक मेमोरी कार्ड के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा की, तो दोस्तों आपको वीवो V15 प्रो में देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। जो इसमें प्राइमरी कैमरा है वो है 48 MP का, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, और जो थर्ड कैमरा होगा वो है 5 MP का। और साथ ही में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी ड्यूअल टोन LED फ्लैश। दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कैमरा की जो परफॉर्मेंस है इस बार काफ़ी पावरफुल होने वाली है। काफ़ी ब्यूटीफुल, शार्प और हाई क्वालिटी की पिक्स आपको इस फ़ोन से देखने को मिल जाएगी क्योंकि आपको इसमें देखने को मिलेगा 48 MP का सेंसर। दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये वही कैमरा सिस्टम है जो आपको देखने को मिला था वीवो नेक्स में, जहाँ पर कैमरा निकल के आता था पॉपअप के रूप में। दोस्तों फर्स्ट टाइम है जब किसी फ़ोन में 32 MP का कैमरा सेटअप दिया जा रहा है। तो दोस्तों सेल्फी भी आपकी काफ़ी बेटर और शार्प आने वाली है, तो कैमरे से इस बार आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। पीछे दिया गया है 48 MP का मेन कैमरा सेंसर, सामने आता है 32 MP का पॉपअप कैमरा। तो दोस्तों कैमरा की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की, आपको देखने को मिलेंगी 4500 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है और साथ ही में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले फीचर की, तो इसमें आपको ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप दोनों ही सिम में 4G सिम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही में फेस अनलॉक का भी सपोर्ट। तो दोस्तों सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी सिक्योर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का सपोर्ट, और साथ ही में ओप्पो का फ्रंट टच OS भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें आपको दी गई है USB Type-C डाटा ट्रांसफ़र के लिए, तो जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों बात करें प्राइसिंग की, तो जो इसका बेस वेरिएंट हो सकता है 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, या फिर 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, उसकी प्राइसिंग जो है वो हो सकती है 31,990 रुपीज़। दोस्तों कंफर्म प्राइसिंग नहीं है, कंफर्म प्राइसिंग आपको मिलेगी लॉन्च डेट के लिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अब लॉन्च डेट की, तो इसमें आपको
बता दूँ लॉन्च जो होने वाला है इंडिया में वो होने वाला है 20 फरवरी, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल प्राइसिंग की और किस डेट से सेल के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।